नॉलेज विदाउट कॉलेज। हाय हेलो आदाब नमस्कार, आप सभी का वेलकम है बीबीएन चैनल के शो में जिसका नाम है नॉलेज विदाउट कॉलेज। आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसी इजाद की जिसके बिना मेडिकल साइंस को अधूरा माना जाता है। ये इजाद होना एक इत्तेफाक था, यानी करना कुछ और चाहते थे, हो गया कुछ और, मगर इस इजाद ने मेडिकल साइंस में बहुत ही अहम रोल अदा किया। आपने भी इस इजाद को इस्तेमाल करते हुए एक बार तो देखा ही होगा। हम बात कर रहे हैं एक्सरे की। आप समझ ही गए होंगे इसकी इजाद कितनी ज़रूरी थी। अगर एक्सरे ना होता तो हड्डी टूटी या नहीं पता लगाना बहुत मुश्किल होता। एक्सरे सिर्फ हड्डी के लिए ही नहीं, कई टेस्ट के लिए भी काम आता है। तो आइए जानते हैं इसे कब और किसने बनाया था। एक्सरे को 1895 में विल्हेम कॉर्नाट रोंजिन ने डिस्कवर किया था, जो विजरबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ये यूनिवर्सिटी जर्मनी में है। एक दिन रोंजिन सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब से काम कर रहे थे। उन्होंने गौर किया कि ये ट्यूब के साइड से एक फ्लोरिसेंट ग्लो आ रहा है। सीआरटी ट्यूब के साथ ग्लास बल्ब भी लगे हुए थे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स थे। ये बल्ब में जब हाई वोल्टेज जाता तो इसमें चमकदार रोशनी निकलती। रोंजिन ने इस ट्यूब पे काला पेपर लगा दिया था, जिससे हरे रंग की रोशनी निकलती थी। रोंजिन ने देखा कि एक और रोशनी इस ट्यूब से निकल रही है, जो इंसान के टिश्यूज के आर पार जा रही है, मगर वो रोशनी हड्डी और मेटल के आर पार नहीं जा रही थी। फिर रोंजिन ने 1895 में ही एक और तजुर्बा किया, जिसमें उन्होंने एक फिल्म को अपनी बीवी के हाथ पे रख दी और ये रोशनी को इस हाथ के पार की, तो सिर्फ इन्हें हाथ की हड्डियां और अंगूठी नजर आई। ये सबसे पहला एक्सरे था। एक्सरे को बाज जर्मन जुबान बोलने वाले मुल्क रोंजिन रे कहा करते थे। रोंजिन ने अपना पहला पब्लिक लेक्चर जनवरी 1896 में दिया और उस लेक्चर में उन्होंने एक्सरे से क्या काम लिया जा सकता है उसे सबके सामने इस्तेमाल करके बताया। कुछ ही हफ्तों के बाद कनाडा के एक हॉस्पिटल में एक्सरे की मदद से एक आदमी के पैर में लगी हुई गोली को आसानी से ढूंढ लिया गया था। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में भी ये एक्सरे मशीन बहुत काम आई। ये एक्सरे मशीन किडनी स्टोन बताने में भी कामयाब हुई। एक छोटा बच्चा जो कॉइन निगल गया था, वो कॉइन को ढूंढने के लिए भी इस एक्सरे मशीन की मदद ली गई। रोंजिन की इस एजाद के लिए इन्हें बहुत से इनामों से नवाजा गया, जैसे ऑनररी डिग्री, मेडल्स और कुछ गलियों के नाम भी इनके नाम पे रख दिए गए। 1901 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। रोंजिन ने इनके इजाद किए हुए एक्सरे को कभी पेटेंट नहीं करवाया। इनका ये मानना था कि साइंटिफिक इजादात पूरी दुनिया के लिए होती है, जिससे सबको फायदा हो, ना कि सिर्फ हमें। फिर इस इजाद के 100 साल बाद गेरिट कैमर इंक ने इसे फिर से डिस्कवर किया। गेरिट मेडिकल फिजिसिस्ट थे, जो मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी में मेडिकल सेंटर में रिसर्च कर रहे थे। ये यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में है। एक्सरे के रेडिएशंस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इस रेस से रेडिएशन बर्न या सर के बाल झड़ने लगते हैं। उस वक्त गेरिट को एक्सरे लेने के लिए 90 मिनट्स होते थे, मगर 19th सेंचुरी में सिर्फ 20 मिली सेकेंड्स में एक्सरे हो जाता है। तो नाजरीन, ये थी कुछ नॉलेज एक्सरे के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ नॉलेज विदाउट कॉलेज के प्रोग्राम्स देखिए और अपनी नॉलेज में भी इजाफा करिए, सिर्फ और सिर्फ बीबीएन चैनल पर। ये प्रोग्राम आप हमारा बीबीएन यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो जाइए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।
नॉलेज विदाउट कॉलेज।